नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा, जो है रवा लड्डू। उसके लिए हमने लिए हैं 2 कटोरी रवा। सबसे पहले हम रवे को भून लेंगे और भूनने के बाद बाकी सामग्री जो हम डालेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। इस वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और रवा भूनने के लिए तैयार है। हमें कैसे पता चलेगा रवा भून गया है? वो ऐसे कि ये जो क्वांटिटी है श्रिंक हो जाएगी, रवे के जो दाने हैं थोड़े कलर चेंज कर देंगे और इसमें भी खुशबू आने लग जाएगी। तब आपको गैस बंद कर देना है और फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती जाऊंगी। रवा हमारा तैयार होने को है, हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है। ये जो प्रोसेस है ये रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज रवा काला पड़ सकता है, जल सकता है। आप देखेंगे कलर थोड़ा चेंज हो गया है और रवा थोड़ा श्रिंक भी हो गया है, दाने दाने बहुत ही क्लियर हो गया है। और इस वक्त मैं गैस स्लो कर रही हूँ। अभी इसमें हम डालने वाले हैं 1 कटोरी घी। मैंने घी को मेल्ट किया है इसलिए कटोरी गर्म है। तुरंत इसे मिला लीजिए और 1 मिनट के लिए और थोड़ा इसे भून लीजिए। आप देखेंगे रवे का कलर चेंज हो गया, रवा अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। वो इसलिए कि हमें इसमें शक्कर डालनी है, तो शक्कर को हमने गर्म नहीं करना है। आप रवे को इस 2-3 मिनट के लिए इसमें छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर हम शक्कर मिलाएंगे। हमने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 2 कप रवा में मैंने 1/3/4 चीनी ली है। आप 2 कप चीनी भी ले सकते हैं या 1.5 भी लेंगे तो भी ठीक है। मैंने थोड़ी कम ली है, बहुत नहीं तो मीठा हो जाएगा। हमें चीनी पाउडर करनी है और इसमें मिक्स करनी है। हमारी गरम है, हाथ संभाल। अब हम कैशू नट पाउडर डाल रहे हैं। ये मैंने इतनी ही कटोरी कैशू नट लिए थे जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। वो इसलिए कि ज्यादा मुंह में नहीं आए और मेन रीजन ये है कि बाइंडिंग आसानी से। थोड़ी से 1 चम्मच मैंने बड़ा चारों ले लिया है और थोड़े से किशमिश भी लिए है। यही वजह है कि हमने शक्कर थोड़ी कम डाली है और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब इन सब चीजों को हमने अच्छे से दोबारा मिक्स करना है। हमने सारी चीजें मिला दी हैं, लेकिन हमारा जो रवा है अभी भी गर्म है, ये लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमें और थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 5 to 7 minutes। रवा लगभग ठंडा हो चुका है। अब मैंने दूध लिया है 1/2 कटोरी, पर मैं पूरा नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ डालूंगी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। इस वक्त मैंने 4 चम्मच डाले हैं और मैं इसे मिक्स करूंगी। दूध हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारे लड्डू जो हों बहुत अच्छे से राउंड शेप में बन जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने सिर्फ 4 चम्मच दूध डाला है, उसके आगे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमारा जो रवा है ये काफ़ी ठंडा हो गया है, 100% ठंडा नहीं है पर लड्डू बन जाए उतना ठंडा है। चलिए अब हम उठाएंगे, दबा देंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं राउंड शेप बन गया। थोड़ा सा और ये लीजिए, हमारा 1 लड्डू तैयार है। एक और बनाएंगे। हाथ भर के लीजिएगा क्योंकि जब हम उसे मोल्ड करते हैं तो एक्स्ट्रा जो है वह खुद ब खुद निकल जाता है। एक और तैयार हो गया, ये देखिए। ये हमारा एक और लड्डू तैयार हो गया।
इस तरह आप बाकी के लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। लीजिए हमारे लड्डू तैयार हैं, बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं इसे बनाने में, सिर्फ लड्डू का शेप देना बहुत जरूरी है और ये बच्चों के बहुत मनपसंद है, इनफैक्ट सभी के मनपसंद है। आप जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।